हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और आज का मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है दिन के टाइम से। 12 बज रहा है अभी और मैं हनी को 12 साढ़े 12 हो रहा था। हाँ, और ये देखो, बाहर बाहर लगी थी धूप हल्की सी। पहले जब मैं इसको सोच रही थी नहलाने का, जब तक मैंने इसका पानी गर्म करने के लिए रखा था तब तक धूप थी। और जैसे मैं हनी को नहलाने के लिए लेके गई, मैंने कहा अंदर ही पे तेल लगाऊंगी हीटर जला के और फिर धूप पे लेके जाऊंगी, लेकिन तुरंत धूप भी गई, पूरे बादल छा गए आसमान में और लाइट भी उसी टाइम पे गई। मैंने कहा मेरी किस्मत। फिर मेरे को ऐसा हो गया था कि मेरे बच्चे को बस ठंडा नहीं होना चाहिए। फिर मैं तेल इतना गरम किया मैंने गैस में, और गरम गरम तेल से मैंने उसकी मालिश करी। फिर मैं फटाक से उसको कपड़े पहनाने लग गई। मैंने ये पहले ही कपड़े धूप पे सुखा रखे थे, सुबह के टाइम पे बहुत अच्छी धूप थी, तो मैंने कहा थोड़ी देर धूप बैठने देती हूँ फिर नहलाऊंगी। लेकिन किस्मत देखो, जब नहलाने लगी तब तक धूप जा चुकी थी। लेकिन टचवुड ये था कि कपड़े उसके गर्म थे और तेल मैंने गर्म करके उसको पहना दिए थे, तेल मालिश कर दी थी। और जब वो कांप रहा था तो मेरा क्या बताऊँ, मेरा दिल निकल के हाथ पे आ गया था। मैंने कहा मेरे बच्चे को ठंड हो गई, तो मैं मतलब जैसे तैसे फटाक से पहना रही थी। मैंने कहा फोन मैंने ऑन इसलिए किया ताकि हनी चुपचाप कपड़े पहनाने दे बस। तो ये देखो मेरा हनी अभी उठ के बैठ गया है। ये देखो नमकीन खा रहा है ना। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, अभी धूप अब आ गई है। देखो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे धूप दिख रही है, धूप अब आ रही है। जब मैंने अपने हनी को नहलाया था उस टाइम पे लाइट भी गई और धूप भी गई, तो दोनों एक साथ गया और ठंडा सा हो गया था। मतलब तो मेरे मेरा कलेजा निकल के बाहर आ गया था। मैंने कहा मेरे बच्चे को ठंड ना हो जाए, इस वजह से मैंने इसको डायपर पहना दिया। मैंने कहा टॉयलेट करेंगे तो कपड़े भीगेंगे, उसको ठंड बैठ जाएगी। मैंने कहा छोड़ो, दिन तक मैं इसको डायपर रखती हूँ, मतलब शाम तक 3-4 बजे तक, उसके बाद मैं बदल दूँगी डायपर को। और ये देखो बिल्कुल टोपी पहना के, सॉक्स शूज पहना दिए मैंने इसको। मैंने कहा रहने दे, पहन के रह, ठंडा हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। ठंड हमसे नहीं सही जा रही, तो इतना छोटा बच्चा है वो, तब वो कैसे सहेगा। और यार मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है यार, मेरा तो मूड खराब हो रहा, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है या सबके साथ हो रहा है। मैंने जो वीडियो मतलब जब मैंने चैनल शुरू किया था उस टाइम पे जो वीडियो डाली थी वो मुझे दिख ही नहीं रही है। 3-5 वीडियो, लास्ट के 5 वीडियो मुझे दिख ही नहीं रही है। और जब मैंने हनी के पापा के फ़ोन से मतलब उनकी आईडी से देखा तो दिख रही है वो, अब मेरे को नहीं दिख रही है। प्लीज़ यार, किस किस के साथ ऐसा हो रहा मुझे ज़रूर बताओ यार, कि मतलब आप लोग देखना ज़रूर कि आपने जो फर्स्ट वीडियो डाली थी, जितने भी 2-3 वीडियो नीचे की, आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है, और दूसरे की चैन मतलब दूसरे की आईडी से दिख जा रही है। मेरे मेरे उससे खुद नहीं दिख रहा है, और दूसरे की आईडी से खोल रही हूँ मैं तो वहाँ दिख रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। दूसरा जो मैंने एक सेटिंग की थी कि पॉपुलर वीडियो जो ऊपर मतलब जैसे जैसे जो पॉपुलर वीडियो होगी जिनमें अच्छे व्यूज़ आएंगे वो ऊपर रहेंगी, और अपलोड वाला सेक्शन मैंने दूसरा था, आज वो भी हट गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है हो क्या रहा है, मतलब मेरा मूड ख़राब हो रहा है ना। तो वो यूट्यूब से डिलीट हो रखी है, मतलब दूसरे को दिख रही है मेरी वीडियो और मुझे ही नहीं दिख रही है। किस किस के साथ हो रहा प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताना, मेरा तो मूड ख़राब हो रखा है कल से। तो ये चलो फिर मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ, और टाइम हो गया है, टाइम कितना, 1 सेकेंड, हाँ जी, मोटो पतलू देख रहा ना, टाइम 2 बज गया है। और मैंने अभी 2 कम्बलें ली, फेरी वाला आया था, मैंने 2 कम्बलें ली 3,000 की। अभी नहीं, मैं शाम को खोल के दिखाऊंगी आपको कैसी है वो। हाँ तो चलो फिर, ये दूध मांग रहा है, दूध चाहिए? हाँ ठीक है, चलो फिर बाद में बात करूंगी। कल तो मेरा हनी देखो बिल्कुल ऐसा बना हुआ है, एक्सपर्ट बन गया है इस बाइक चलाने में। और हनी ने परेशान किया कि इसके आगे का जो मुंह जैसा था उसका, वो हटाने के लिए कह के, उसको दिख नहीं रहा था टायर कैसे घूम रहा, तो हमने उसको हटा दिया। आप देख सकते हो हटाने के बाद कितना गंदा सा दिख रहा है वो, और अब धक्का मारने की जरूरत नहीं पड़ रही है, खुद ही चला ले रहा है। ये शाम शाम के टाइम का वीडियो है, शाम के टाइम पे हम 3 साढ़े 3 बजे के करीब जब वो उठा तो मैं उसको धूप पे लेके गई थी। मैंने कहा नहाते टाइम तो धूप चली गई थी, तो अभी धूप लगी थी तो इसलिए वो खेलने पे लगा था। धूप तो क्या लगी थी, लेकिन हवा भी चल रही थी साथ ही साथ, लेकिन कोई बात नहीं, और वो खुश था, गाड़ी चलाने पे लगा था, अच्छा लग। टाइम बाद धूप आई है, देखो टाइम हो गया है 3:30 4:30, पता नहीं इतना ही कुछ हो रहा होगा, मैंने देखा नहीं ढंग से। और ये देखो मैंने कंबलें डाली हुई है, इतने दिन से इतने ठंडे हो गए थे कपड़े, क्या बताऊं।
और ये किचन का डाला हुआ है, इसमें पानी पानी हो गया था। तो ये देखो हवा चल रही है बहुत ख़तरनाक वाली। कितना अच्छा लग रहा मौसम, लोगों ने सबने कपड़े डाले हुए हैं देखो छतों में। ये नीचे पे देख रहे हो आप, ये मकान टीन और पता नहीं थर्माकोल से बन रहा है। मतलब इसमें आप देख सकते हो उसमें चार कमरे बन रहे नीचे पे, और पैसे की बचत भी और टाइम की बचत भी, रहने के लिए इतना अच्छा सा बन जा रहा है। मैं एक और दिखाती हूँ यहाँ पे बना हुआ है आजकल, इधर ऐसी बन रही है। सामने देखो आप रेड रेड दिख रहा होगा, तो कहाँ फोकस कर, ये जो बना हुआ है ना ये सामने पे चमक रही है उसकी छत, तो वो भी उसी चीज़ से बना हुआ है। और लोग पैसे बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए, बहुत ही अच्छा है, सस्ता टिकाऊ मकान, कहाँ सरिया कहाँ सीमेंट इन चीज़ों से अच्छा तो यही है जो आप देख सकते हो नीचे पे। तो मैं हनी को धूप पे लेकर आई हूँ, अभी थोड़ी देर में धूप सेकते हैं। हवा चलने पे लगी है, धूप तो कहाँ है, पर ये है कि ठीक है। मैं ऐसी बाल बना रही थी, मैंने कहा चलो आपको भी दिखा देती हूँ, जो कि मैं अपने कॉलेज टाइम पे बहुत ज़्यादा बनाती थी। वैसे तो मेरे छोटे बाल थे, लेकिन जब थोड़े लंबे हो गए तो मैं एक हेयर स्टाइल बनाती थी जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते थे। आज मेरे बाल देखो कैसे चिपकू टाइप के हो रखे ना, तेल लगाया है, तो इसलिए मैंने कहा नहाऊंगी, लेकिन टाइम नहीं हो पाया। तो मैं इस तरीके से साइड निकाल देती थी, एक सेकंड, तो इतने बाल इस साइड कर दिया। और इस तरीके से पकड़ना है आगे के बाल ये, फिर इस तरीके से ऊपर लेना उसको लपेटे में, और उंगलियों से कॉम करते जाना इस तरीके से। तरीके से पीछे, अगर आप चाहते हो पीछे तक, इस तरीके से ये हो गया है। और आप अगर आप यहाँ पे पफ चाहते हो, हल्के से बाल इस तरीके से यहाँ से फोर्सफुली आगे को दबा दो, और ये है क्लिप। हनी मत करो बेटा, जितने आपको लगता है कि निकल ना जाए बाल उतने तक क्लिप ठोक दो। तो मैंने तीन क्लिप लगाई है, और उसके बाद आप इस तरीके से यहाँ पे आप चुटिया बना सकते हो। तो ये देखो, तो मैं ऐसे बाल बहुत बनाया करती थी, ये देखो दिख रहा आपको, देखो इस तरीके के बाल में बना के बहुत अच्छे लगते हैं, स्टाइलिश लगते हैं, दिख नहीं रहा ढंग से, और फिर ऑयल लगा हुआ है ना इसलिए बाल ढंग से बन नहीं पाए। और इस तरीके से चुटिया बना के मैं कॉलेज आया करती थी, ये देखो अच्छा लग रहा है ना। और एक और बनाती थी मैं, एक इस तरीके से बालों के दो पार्ट कर देने हैं ये, और कुछ नहीं करना है आपको, बस जो आगे के ये बाल हैं इनको इस तरीके से उठा देना है, सिर्फ आधे बाल, और यहाँ पे लेके इस तरीके से मोड़ना है इनको, ये पीछे से हल्का हल्का मोड़ना है, और यहाँ पे क्लिप लगा देनी है ताकि हल्के से पफ निकल के आ जाए। तो ये हो गया एक साइड, अब दूसरे साइड करते हैं। थोड़ी बाउंसी लगते हैं बाल, और कुछ नहीं, चपाक सा नहीं होता, मतलब चपड़गंज बोलते ना उसको, उस टाइप का नहीं दिखता। और फिर इसको भी इतना ही लेके, मत लाओ बेटा, मत करो मत करो, हनी मत करो, ये हनी स्टैंड घुमा रहा है ना, इस तरीके से इसको भी पीछे से रोल करना है हल्का सा, और यहाँ पे क्लिप लगा देनी है बस, और ये हो गया एक हेयर स्टाइल।
शादीशुदा के लिए बहुत अच्छा है, जो मैरिड लड़कियां होती हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनको सिंदूर डालने का शौक होता है। और ये बना दी मैंने पीछे चुटिया, तो इस तरीके से हल्के हल्के, ये अगर आपको लगते हैं बाउंसी नहीं हुए तो हल्का हल्का हाथों से खींच लो। और ये होगी थोड़े, मतलब इधर से दिख नहीं रहा ना ढंग से, ऐसा ऐसा नहीं लगेगा बाल के चपाक टाइप के, तो ये हल्के से बाउंसी लगेंगे बाल। इसमें मैं मांग डाल देती हूँ तब और अच्छा थोड़ा लगेगा। तो ये देखो मैंने बीच में मांग डाल दी है और लग रहा है अच्छा सा। तो इस टाइप का स्टाइल जो है वो मैरिड लड़कियों पे अच्छा लगता है, थोड़ा उठा उठा सा, मतलब बाल थोड़े बाउंसी लगेंगे और बीच में मांग डालने के लिए अच्छा लगेगा। तो ये देखो ये मैंने बनाए, और आज इन दो हेयर स्टाइल ने मेरे को मेरे कॉलेज के याद दिन, मतलब कॉलेज के दिन याद दिला दिए। और ये बदमाश देखो जो मैंने कंबलें लेके रखी थी ना, ये दिखाती हूँ मैं इनको ना, ये देखो ये फाड़ने पे लगा और इसके ऊपर बैठ रहा है। ये देखो खोल के मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगी, ये है खोल के मैं बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे से खोला उठा ही नहीं जाएगा, ये निकल ही नहीं रहा है, तो मैंने कहा इसके पाप आएंगे, फिर खोल के मैं कल जब धूप में डालूंगी फिर दिखाऊंगी मैं आपको। ये कंबल है, ये दोनों कंबल एक ही रेट के हैं, एक ही रेट के नहीं मतलब एक ही साइज के हैं, फुल साइज के हैं और डबल बेड के हैं, गरम तो लग रहे हैं। अब देखते हैं हनी के पापा मुझे डांटे ना। तो मैंने ये दोनों कंबलें ली है 3100 रुपये की, 3100 रुपये की। वो कह रहे थे कि 5000 दे दो, मैंने कहा नहीं देना है तो दो, मैंने कहा नहीं तो रहने दो, तो मैंने रख दिया। मैंने कहा चाहिए होती है, चीज़ें जोड़नी पड़ती है ना, जैसे जैसे परिवार बनता है तो चीज़ें भी जोड़नी पड़ती हैं। तो ये है, और हनी देखो तब से इसके ऊपर उछल रहा है, और देखते खोल के देखेंगे बाद में कैसा है। वैसे मैंने देख दिया था ठीक ही थी, पर फिर भी इसके पापा क्या कहते हैं तब देखते हैं। ये है, ये देखो। और मैं बनाती हूँ अब चाय, आज का ब्लॉग इतना ही है, कुछ है नहीं ज़्यादा इसमें। तो मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों को, मैंने योगा भी किया हुआ है तो मैं सोच रही थी मैं आप लोगों को छोटे छोटे योगा के टिप्स बताऊंगी फेस के लिए, मसल्स, मतलब जो भी चीज़ें, अगर आप लोगों को देखना है, अगर आप लोगों को चाहिए योगा 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 वाली वीडियोज़ अगर आपको चाहिए, तो मैं इस ब्लॉग में ब्लॉग ही मैं ऐड करूँगी वो योगा के जो छोटे छोटे से पार्ट। तो अगर आप लोगों को चाहिए, देखना चाहते हैं आप लोग, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि योगा वाले छोटे छोटे योगा जो फेस के लिए, आपकी बॉडी के लिए, वेट लॉस के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि करना है या नहीं। तो चलो फिर वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय हनी। बाय हनी, बिजी है इनके साथ ही, देखो।